गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज रजनी। मैं आपकी मैम इज रजनी मैम। और बच्चों, बेटा आज मैं आपको ऐसे लेकर गया तक स्वर व्यंजन, संयुक्त व्यंजन बताऊंगी, वह विकसित व्यंजन है ना। तो ये बच्चों, ये आपको आना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए। मैं बार बार ये इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये आपके फाइनल टर्न में जरूर आएंगे और ये पता होना चाहिए कि हमारे स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, क्योंकि अभी तक तो आपने ऐसे लेके गया तक किया है ना। तो ऐसे लेके गया तक ही आपको लिखना है। मैं इतना ज्यादा हार्ड सिलेबस नहीं दूंगी, बट फिर भी आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, है ना। तो चलिए मेरे साथ पढ़िए, देखिए स्वर माला। ए अ ई ई उ उ रु ए ऐ ओ औ अं अह। ये क्या है आपके स्वर है, ठीक है। मेरे साथ बोलिए, ए अ ई ई उ उ रु ए ऐ ओ औ अं अह। ओके, इसके बाद आती है हमारी व्यंजन माला। क ख ग घ ण च छ ज झ ण ट ठ ढ ण ढ ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श स श स ह। फिर से पढ़ लेते हैं हम एक बार। क ख ग घ ण च छ ज झ ण ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र व सॉरी ल व श श स ह। और यह हमारा संयुक्त व्यंजन श्र त्र ग श्र। संयुक्त व्यंजन उन्हें बोलते हैं जो दो शब्दों से मिलकर, जो दो वर्णों से मिलकर बनता है, उन्हें हम संयुक्त व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। और विकसित व्यंजन अण और ढ, इनसे ये वर्ड ऐसे हैं, ये वर्ण ऐसे हैं कि इनसे किसी भी शब्द, ये किसी भी शब्द के प्रारंभ में नहीं आते हैं, इनसे शुरुआत नहीं होती किसी भी वर्ड, किसी भी शब्द की, ठीक है। तो अब हम ऐसे अनार पढ़ेंगे। ऐसे अनार, ऐसे आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख, छोटे से उल्लू, बड़े से ऊन, रैसे ऋषि, ऐसे एड़ी, ऐसे ऐनक, ओसे उखली, औसे औरत, अंग से अंगूर, आने खाली। क्या कबूतर, खै खरगोश, घ गमला, घ घड़ी, आने खाली। छ चम्मच, छ छाता, जा 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 झंडा, आने खाली। टह टमाटर, ठह टटेरा, ढ डमरू, ढ ढक्कन, आने खाली। तह तरबूज, थे थर्मस, दह दवा, दह धनुष, नह नल, पै पतंग, पै फल, वह बत्तख, वह भालू, मैं मछली, यह ग्रह रथ, लह लट्टू, वह वर्षा, सह शलजम, सह षटकोण, सह सपेरा, है हल, ठीक है। छ क्षत्रिय, तह त्रिशूल, ज्ञानी, सह श्रेमिक, और आने खाली, ढह ढक्कन, ठीक है। तो बच्चों, ये है, ये था बेटा आज का आपका हिंदी का वर्क, जिसे आपको ओरल पढ़ना है, मम्मी डैडी को सुनाना है और अपनी बुआ को भी सुनाना है, और आपको अच्छे से वर्क लर्न भी करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद में आप अपनी हिंदी की नोटबुक में राइट करेंगे, ओके, अपने हाथों से, सुंदर सुंदर सफाई से, ठीक है बेटा। इसके बाद देखिए इंग्लिश। इंग्लिश में आपको कैपिटल लेटर दिए हैं, ए से लेके जेड तक, ठीक है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, एफ फॉर फिश, जी फॉर गर्ल, एच फॉर हॉर्स, आई फॉर आइसक्रीम, जे फॉर जोकर, के फॉर काइट, एल फॉर लॉयन, एम फॉर मंकी, एन फॉर नेस्ट, ओ फॉर ऑरेंज, पी फॉर पैरेट, क्यू फॉर क्वीन, आर फॉर रैबिट, एस फॉर शिप, टी फॉर टाइगर, यू फॉर अम्ब्रेला,
वी फॉर वैन, डब्ल्यू फॉर वॉच, एक्स फॉर एक्स मिस्ट्री, वाई फॉर याक, जेड फॉर जेब्रा. इसके बाद इंग्लिश में आपको ए से लेकर जेड तक ये कैपिटल लेटर्स हैं, ये आपको पढ़ने हैं और उसके बाद में आपको राइट करना है. ठीक है, अपनी इंग्लिश की नोटबुक में पहली वाली लाइन में आपको फोर कैपिटल वर्ड ही लिखने हैं, लेटर्स लिखने हैं, 1 2 3 4. ठीक है, उसके नीचे नीचे फिर लाइन से लिखते चले जाना. ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका मैथ. देखिए बच्चे, मैथ में काउंटिंग फ्रॉम 1 to 50. ठीक है, 1 से लेकर 50 तक काउंटिंग आपको करनी है. देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो देखिए मेरा 10. ठीक है, चलिए फिर से हम रिपीट करते हैं, फिर से रीड करते हैं, मेरे साथ साथ बोलेंगी. बोलिए मेरे साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 0 20. 21 22 23 24 45 46 47 48 39 40 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 5 0 50. तो बेटा आपको 1 से लेके 5 0 50 तक काउंटिंग करनी है अच्छे से. ओके, आपको पढ़नी भी है और आपको फिर मैथ की बुक में लिखनी भी है. ठीक है, राइट भी करनी है, अपनी राइटिंग में करेंगे, अच्छे से करेंगे. ठीक है, सबसे पहले आप कैसे करते हो, सबसे पहले आपको डेट डालनी है, सबसे पहले आप डेट डालेंगे. ठीक है, जो इस भी डेट में आप वर्क कर रहे हैं वही डेट आप डालेंगे. ओके, मैथ्स 1 to 50 काउंटिंग. होमवर्क, ठीक है, ओके. तो इस तरह से आपको वर्क करना है. ठीक है, आज बताओ बेटा मैंने आपको क्या क्या दिया है. आज मैंने आपको हिंदी में वर्णमाला दी है, इंग्लिश में कैपिटल लेटर्स दिए हैं और मैथ में काउंटिंग 1 से लेकर 50 तक. ओके, तो जल्दी जल्दी अपना वर्क करेंगे, ध्यानपूर्वक वीडियो को देखेंगे और अपनी कॉपीज आप डेली बेस भी चेक करा के ले जा सकते हैं. ओके, बाय, थैंक यू.